इस बार दिवाली पर हम एक बहुत ही खूबसूरत पंचकोणों की बनी हुई एक लालटेन बनाएंगे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस ढांचे को अंग्रेजी में डिओडेकाहेड्रन कहते हैं। इसको बनाने के लिए आपको रंगीन कागज़ के, थोड़े स्टिफ कागज़ के चौकोर चाहिए होंगे, उसके साथ में कुछ डोरा, गोंद, कुछ नीला कागज़ आदि चाहिए होगा। सबसे पहले आप जो चौकोर कागज़ हैं उनसे 12 पंचकोण या पंचभुज बनाएं। उसके बाद में उनके मध्य बिंदुओं को आप मोड़ जोड़ करके उनको मोड़ दें तो इस तरह से 5 त्रिकोण बन जाएंगे हर एक पंचकोण में, पंचभुज में। और ये एक फ्लैप का काम करेंगे। इन फ्लैप की मदद से आप एक पंचभुज को दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे। ये आपका एक यूनिट हुआ। ऐसे आपको 11 यूनिट बनाने हैं लालटेन पूरी करने के लिए। सबसे पहले आप दो पंचभुज के जो फ्लैप्स हैं तिकोने, उन पे गोंद लगाएं और दोनों को आपस में चिपका दें। इसी तरीके से आप 5 पंचभुजों को आपस में जोड़ें। फिर अंतिम दो जो पंचभुज हैं उनके फ्लैप्स को भी आपस में जोड़ करके एक गोलाकार आकृति बनाएं। और इसके पेंदे के अंदर आप एक छठवां पंचभुज चिपका दें। इससे एक तरह से एक बास्केट या एक डलिया जैसी बन जाएगी। इस तरह आप और पंचभुजों के फ्लैप्स पर गोंद लगाते रहें और उनको जोड़ते रहें। धीरे धीरे करके आपकी लालटेन एक आकार लेगी। ये देखिए बन गई 11 पंचभुजों की लालटेन। इसमें 2 छेद करके हमने एक डोरे से इसको लटका दिया है। 12वें पंचभुज की जरूरत नहीं है क्योंकि लालटेन ऊपर से खुली होनी चाहिए जिससे कि आप अंदर बल्ब को फिट कर सकें। अंत में आप नीचे एक हल्की आसमानी रंग की झालर लटका दें। इससे आपकी लालटेन में 4 चांद लग जाएंगे। और बाद में उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब जलाएं और रात को लालटेन की खूबसूरती को निहारें।